जीत गए भैया, जीत गए जीत गए जीत गए। इंग्लैंड को चारों खाने चित करके मैच हारा। जवाब में भारत ने 2 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच आयरलैंड से जीतकर विजय अभियान शुरू कर चुका था, जबकि पांव यूएसए से अपनी मरवा चुका था। USA beats Pakistan at the T20 Cricket World Cup. Pakistan in Dallas and not many people gave them a chance. इसके बाद था इस टूर्नामेंट का महामुकाबला 9 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का 19वां मैच, इस विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला, जिसका इंतजार भारत और पाकिस्तान के साथ साथ पूरा विश्व क्रिकेट कर रहा था। यह कोई आम मैच नहीं था, यह T20 वर्ल्ड कप 2024 का हाई इंटेंसिटी वाला मैच था। यह मुकाबला तय करने वाला था कि हिंदुस्तान के लोग मुस्कुराते हुए सोएंगे या फिर पाकिस्तान के लोग हार के दर्द में सोएंगे। यह मुकाबला तय करने वाला था कि हिंदुस्तान के लोग जश्न के साथ मस्ती करेंगे या फिर पाकिस्तान के लोग अपने टीवी तोड़ेंगे। न्यूयॉर्क में दिसंबर से मार्च तक ठंड का मौसम होने के कारण वहां पर पिच बनाना संभव नहीं था, इसलिए ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया और अप्रैल में इसे फिट कर दिया गया। ड्रॉप इन पिचों को बनाने से लेकर मैच के लिए रेडी होने में कम से कम 9 महीने का वक्त लगता है, और यही कारण था स्टेडियम ड्रॉप इन पिच ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। पिच के न तैयार होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच प्रारंभ हो गए, जिसका परिणाम सामने है। गेंदबाजों को आसमान उछाल मिल रहे थे, बल्लेबाजों को नाक मुंह टूट रहा था। अब तक इस पिच पर 5 मैच खेले जा चुके थे और इन 5 मैचों की 10 पारियों में औसतन स्कोर महज 105 रन था। कुल मिलाकर यह पिच जहां बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान बन चुका था, वहीं गेंदबाजों के लिए स्वर्ग था। अमेरिका में यह खेल की मार्केटिंग करने की कोशिश अच्छी है, प्यारी लगी, लेकिन प्लेयर्स के लिए न्यूयॉर्क की ऐसी घटिया पिच पर खेलना अस्वीकार्य है। आप इतनी कड़ी मेहनत करके वर्ल्ड कप तक आते हैं और फिर आपको ऐसी पिच पर खेलना पड़ता है। ऐसे वाहियात और घटिया ग्राउंड में और बकवास पिच पे, जिसको आईसीसी के जो सवालिया निशान सबने ही लगा दिया है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे मैचेस इस जगह पर कराए। पाकिस्तान इस मैच में अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और स्विंग के साथ उतरा था। शहंशाह मोहम्मद आमिर वह स्विंग और रफ्तार के सौदागर थे, जिनके दम पर पाकिस्तान इस मैच में भारत को शिकस्त देने की हसरत पाल बैठा था। बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान और तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी पिच पर अपने तेज गेंदबाजों के दम पर अपनी जीत की हसरत लिए पाकिस्तान 9 जून 2024 को इस मुकाबले में अब भारत के सामने था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को आरंभ किया, लेकिन दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने विराट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस विराट कोहली को न्यूयॉर्क के इस मुश्किल पिच पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कूटने की उम्मीद थी वह टूट चुका था। वे विराट कोहली 3 बॉल पर 4 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। भारत मात्र 12 रन के स्कोर पर अपने विराट बल्लेबाज को खो चुका था। अब भारत की उम्मीदें अपने दिव्यास्त्र यानी अपने हिटमैन पर आकर टिक गई, लेकिन पाकिस्तान की रफ्तार से तीसरा ओवर लेकर आए शाही अफरीदी ने अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा ने हिट किया। गेंद ऊंचाई गई लेकिन दूर नहीं जा सकी और स्क्वायर लेग पर खड़े रौफ ने रोहित के कैच कर लिया। 3 ओवर के अंदर महज 19 रन के स्कोर पर भारत अपने दिव्यास्त्र और पाकिस्तान के कुटाई का शस्त्र खो चुका था, और यहीं से प्रारंभ हो जाती है भारतीय बल्लेबाजों के आने और जाने की कहानी। रोहित के जाने के बाद इस मैच में अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं पार करता है। ऋषभ पंत ने दमदार 31 गेंदों पर 42 रन के एक बेहतरीन पारी खेली और अक्षर पटेल ने भी 18 गेंदों में 20 बहुमूल्य रन बनाए। वो तो सरदार का असरदार पारी ने 13 गेंदों में 9 रन और मोहम्मद सिराज ने 7 गेंदों में 7 रन बनाकर भारत का स्कोर 119 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा निराश सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने किया। शिवम दुबे ने इस मैच में 9 गेंद खराब करके सिर्फ 3 रनों का योगदान दिया और सूर्य कुमार का भी यही हाल रहा। सूर्य ने भी 8 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रनों का योगदान किया, और कहीं न कहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में 150 के आंकड़े पार नहीं करने में अपना अहम योगदान दिया। 119 रन पर भारत को समेटने के बाद पाकिस्तान गेंदबाजों की खुशी अपना जमीन छोड़ चुकी थी। पाकिस्तानी दर्शक अपने गेंदबाजों के इस पराक्रम पर अपनी जान लुटा रहे थे।
कमेंट्री बॉक्स से पाकिस्तानी गेंदबाजों के तारीफों के कसीदे गड़े जा रहे थे। पाकिस्तान अपनी जीत को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ हो चुका था। हाँ। दो या तीन विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। लेकिन अभी तो क्लाइमेक्स बाकी था क्योंकि भारत के बॉलिंग का ब्रह्मास्त्र आना अभी बाकी था। 120 रन के सामान्य से लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से सबसे घटिया विराट और सस्ते रोहित यानी बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान पर आती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप के पहले ही ओवर में 9 रन कूट कर अपने नापाक जीत का इरादा जाहिर करते हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने 4 ओवर की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए 21 रन बनाए थे, लेकिन भारत की पारी का 5वां ओवर लेकर बुमराह ने चौथी गेंद पर बाबर के किला को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बाबर के जाने के बाद भी मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने पाकिस्तान की पारी को अच्छे से संभाल लिया। पाकिस्तान 10 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 57 रन बना चुका था। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अब 60 गेंदों में सिर्फ 63 रन की जरूरत थी और पाकिस्तान के पास अभी भी उसके 9 विकेट सुरक्षित थे, लेकिन पटेल ने पारी को अंत कर दिया। 10.1 ओवर में पाकिस्तान को 57 रन पर अब 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की उम्मीद और भारत की हार का कारण बनते जा रहे थे। इस मैच में पाकिस्तान 14 ओवर की समाप्ति तक अपने 3 विकेट खोकर 80 रन बना चुका था। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर अभी भी मैदान में थे। पाकिस्तान को जीत के लिए अब 36 गेंदों में सिर्फ 40 रन की जरूरत और पाकिस्तान के पास अभी भी उनके 7 विकेट सुरक्षित थे। आंकड़े बता रहे थे कि मोहम्मद रिजवान के रहते इस मैच में पाक की जीत निश्चित है। जीत का 92% पाकिस्तान के पक्ष में था जबकि भारत के जीत के सिर्फ 8% दिखाई जा रही थी। लाइव मैच देख रहे भारतीय दर्शकों की संख्या में लगभग 20 मिलियन की गिरावट आ चुकी थी। स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शक का शोर बढ़ता जा रहा था। आज उनके देश में टीवियां नहीं तोड़ी जाएगी, आज उनके देश में सिर्फ और सिर्फ भारत की हार की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन कुदरत को यह कहानी मंजूर नहीं थी। जीत की तरफ बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कदम को रोकने के लिए भारतीय कप्तान ने 15वें ओवर के लिए एक बार फिर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गेंद एक बार फिर बुमराह के हाथों में थी। पूरे भारत की उम्मीद का भार अब जसप्रीत बुमराह के कंधों पर था। अगर यह काम बुमराह नहीं कर सकता था तो फिर भारत के कोई भी गेंदबाज नहीं कर सकता था। और जसीना आते ही एक ऐसी गेंद डाली जिससे गेंद ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। लगातार 24 ओवर से बाबर के लिए विजय पताका लेकर आगे बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान का सिंहासन उखाड़ दिया और अर्शदीप ने पाक के बल्लेबाजों को संभालने का मौका ही नहीं दिया और पाकिस्तान को 113 रन पर रोककर भारत को 6 रन से जीत दिला दी। पाकिस्तान के की तरफ से जब नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, रऊफ और मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि गेंदबाजी हो तो ऐसी लाइन और लेंथ हो, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह आए तो लोगों ने जाना ब्रह्मास्त्र का ताकत। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में बता दिया कि वो क्यों उन्हें वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर कहा जाता है। बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करके पाकिस्तान के 3 सबसे घातक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया जिसमें बाबर, रिजवान और इफ्तार चाचा का विकेट शामिल। जस्सी ने इस मैच में भारत के लिए 8% का प्रोडक्शन मीटर को 100% कर दिया और पाकिस्तान के 92% से घसीटकर 0 पर ला दिया। मैच से पहले जिस नसीम साहब और शाहीन शाह के लोग जस्सी से बेहतर बता रहे थे, अब मैच खत्म हुआ तो अपनी हार पर नसीम शाह की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले हम रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं, आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान का ही पाकिस्तान का मैच नहीं, पाकिस्तान मैच आ गया, टीवी नहीं चाहिए पाकिस्तान मैच हार गया उड़ के यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको छोड़ दो आप, रिजवान बाबर को निकाल, ये वाला मैच पाकिस्तान हार ही नहीं सकता था यार, हम खुद कर ले यार, ये क्या बकवास है यार, क्या किया इन्होंने यार, आज मैं कहता बांग्लादेश की टीम को खिला दे, नामीबिया की टीम को खिला दे, उन्होंने कर लेना था यार।